हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर विधि गेमावत। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और एंटीनेटल पोस्टनेटल स्पेशलिस्ट हूँ। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। ये एक बहुत ही इग्नोरेंट टॉपिक है, इसके लिए उसकी जागरूकता के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। अब यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस क्या है? यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का मतलब है लीकेज ऑफ यूरिन। अब इस पे हम इतना इम्पोर्टेंस इसलिए दे रहे हैं बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, बट उनको लगता है कि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है एजिंग का, या बहुत सारी फीमेल्स को लगता है कि पोस्ट डिलीवरी तो ये होता ही है। बट नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस किस में पाया जाता है? ये नॉर्मली मेल्स और फीमेल्स दोनों में होता है, लेकिन फीमेल्स में तादाद ज्यादा है। फीमेल्स में पोस्ट प्रेगनेंसी और एडोल्सन की जो एज है 12 से 15 साल, उस टाइम हार्मोनल चेंजेस की वजह से और मसल वीकनेस की वजह से हो सकता है। ओल्ड एज में भी ये पाया जाता है। डायबिटीज, क्रॉनिक कॉफ, कॉन्स्टिपेशन और न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस जैसे स्ट्रोक और पैरालिसिस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, हैवी वेट लिफ्टर्स, उन लोगों में ये ज़्यादा पाया जाता है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस दो टाइप के होते हैं, एक है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, एक है अर्जेंसी। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस यानी जब आपके एब्डोमेन का स्ट्रेस इंक्रीज होता है, जैसे कि जब आप हंसते हैं, खांसते हैं, छींकते हैं, या कोई वजन उठाते हैं, या बॉडी का पोजीशन चेंज करते हैं, जैसे आप बेंड कर रहे हैं, तब आपको लीकेज होता है, एंड दैट इज स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस यानी आप नॉर्मली बैठे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड सडनली आपको फील होता है कि अब आपको यूरिन पास करना है, बट अगर नहीं करेंगे तो आपको लीक हो जाएगा। सो दैट इज अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के साइंस क्या है? पहला साइन है कि जब आप जग रहे हैं डे टाइम में, आप 8 से 10 बार यूरिन जा रहे हैं। रात में आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन ज्यादा हो रहा है, यानी आप बार बार जा रहे हैं यूरिन के लिए। आप जब यूरिनेशन के लिए जाते हैं तो आपका स्ट्रीम जो है यूरिन का, वो स्टार्ट होता है, स्टॉप होता है, या एक शावर की तरह आता है, मिड स्ट्रीम में यूरिन रुक जाता है, या आप कभी कभी क्या होता है कि आप यूरिन जाते हैं, आते हैं बाहर और 10 मिनट्स बाद आपको तुरंत जाना पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट एम्प्टिंग ऑफ द ब्लैडर। सो दीज आर सम ऑफ द साइंस ऑफ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। आप खुद से टेस्ट कर सकते हैं कि आपको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है या नहीं है। एक टेस्ट है जिसको 80% लोग जिनमें यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है उनको पॉजिटिव आता है, बट कुछ लोगों में जिनमें इनकॉन्टिनेंस होता है उनमें नेगेटिव भी आता है। तो आप मिड आफ्टरनून में वॉशरूम में जाइए यूरिन करने के लिए। जब आपका यूरिन का स्ट्रीम स्टार्ट होता है तो आप सडनली उसको स्टॉप कीजिए, होल्ड कीजिए। अगर आप होल्ड नहीं कर पाते हैं या होल्ड करने के बाद थोड़ा सा लीक होता है, तो इसका मतलब आपको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है। अगर आप में ये साइंस एंड सिम्टम्स है, या आपके कोई रिलेटिव में या अड़ोस पड़ोस में ये साइंस एंड सिम्टम्स है और ये टेस्ट पॉजिटिव है, तो इसको मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ये मैनेज नहीं किया तो लीकेज की वजह से स्मेल इश्यूज होते हैं, जो एक बहुत ही एम्बेरेजिंग चीज़ होती है जब आप सोशल सर्कल में होते हैं। यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से बैक पेन्स के इश्यूज शुरू हो जाते हैं। ऑल्सो लोग अपने आप को बहुत रिस्ट्रिक्ट करने लगते हैं, लोग बस से ट्रैवल नहीं करते हैं, ट्रेन में भी ट्रैवल करने के लिए हिचकिचाते हैं, या डायपर्स पहन के ट्रैवल करते हैं, तो ओवरऑल उन्होंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है ट्रैवलिंग की वजह से। तो इन सब के वजह से इस चीज़ को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट पार्ट बताती हूँ। हम लोग पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रेंथनिंग, जिसमें कीगल्स एक्सरसाइजेस भी आता है, एब्डोमिनल एंड कोर मसल स्ट्रेंथनिंग करते हैं, बिहेवियरल ट्रेनिंग करते हैं, ब्लैडर ट्रेनिंग, एक्टिव लाइफस्टाइल और ओबेसिटी कंट्रोल करते हैं। एक्सरसाइजेस के लिए हमने एक दूसरा वीडियो बनाया है, बाकी का मैनेजमेंट मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो फर्स्ट आता है बिहेवियरल ट्रेनिंग। बिहेवियरल ट्रेनिंग मोस्टली हम कॉन्स्टिपेशन के लिए देते हैं। इसमें हम आपको बताते हैं कि आपको मॉर्निंग में 2 ग्लास पानी पी के वॉशरूम में जाके बैठना है, ट्राई करना है कि स्टूल पास करे तब तक उठ के ना बाहर आए, ताकि आपका एक टाइम सेट हो जाता है, एंड फिर बॉडी क्लॉक की वजह से आपको रोज उसी टाइम पे मोशन आएगा एंड कॉन्स्टिपेशन से रिलीव होगा। सेकेंड होगा ब्लैडर ट्रेनिंग। ब्लैडर ट्रेनिंग में क्या होता है कि जब आप वॉशरूम जाते हैं, यूरिन करके आप निकलते हैं, तो हम आपको बताते हैं कि यूरिन करने के बाद थोड़ी देर और बैठिए, अपने आप को रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स करने के बाद आपको एक और स्ट्रीम ऑफ यूरिन पास होएगा,
उसके बाद आपका ब्लैडर कंप्लीट एम्प्टिंग होता है, तो दिस इज ब्लैडर ट्रेनिंग। थर्ड आता है ओबेसिटी एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। ओबेसिटी बेसिकली आपको डाइट कंट्रोल करना होगा, एक्सरसाइजेस करनी होगी, और अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व करना होगा। एंड एक्टिव लाइफस्टाइल से हम आपको बताते हैं कि आप डेली एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर वॉक के लिए जाए तो आप एक्टिव रहेंगे, तो आपका नॉर्मल जो मसल वीकनेस है वो कम होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम आपको सवाल का जवाब दे देंगे। हम ऑनलाइन और ऑफलाइन कंसल्टेशंस करते हैं, तो अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है या इस बारे में और जानकारी चाहिए तो आप हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि वीडियो के साथ अटैच्ड है।